हे हेलो हाय, कैसे हो सारे? उम्मीद है बढ़िया ही होगे। मैं हूँ सौरभ उप्रेती। तो जैसे तुम्हें पता है, चैनल पे सीरीज चल रही है। कौन सी सीरीज? हमारे चैनल पे एक बड़ी प्यारी सी सीरीज चल रही है, जिसका नाम हमने रखा है प्यार से क्या 100% सीरीज। भैया येलो कलर मुझे थोड़ा पसंद नहीं आ रहा है, कलर को चेंज करो। चलो चेंज कर देते हैं तुम्हारे लिए कलर को। कौन सा कलर पसंद आ रहा है बताओ? ग्रीन करते हैं। ठीक है भैया, ग्रीन कर देते हैं। ग्रीन थोड़ा दिखेगा ना। ठीक है, तो ये 100% सीरीज जो चैनल पे चल रही है, इसके अंदर हमने 3 चैप्टर खत्म कर लिए। किसके? केमिस्ट्री के। कौन सा? पहला चैप्टर हमने करा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, दूसरा एसिड बेसिस एंड साल्ट, और तीसरा चैप्टर हमने करा मेटल एंड नॉन मेटल। दो दो वीडियो के अंदर, एक वीडियो में कंप्लीट थ्योरी, एक वीडियो में उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे, जो खुद के बने हुए क्वेश्चन थे एनसीईआरटी के बीच में से। ठीक है भैया, ये चीज़ तो हमें पता है, मैंने पुरानी वीडियो सारी देखी है। तो आज हम ला रखे हैं लाइव प्रोसेस। अब देखो, लाइव प्रोसेस चैप्टर मैंने पता है बायो की वेटेज बहुत ज्यादा है, तो तुम में से मैक्सिमम ने ये चैप्टर पढ़ रखा होगा। अगर मैक्सिमम ने ये चैप्टर पढ़ रखा है, तो अब मैं अगर वही चीज़ को दोबारा बोलता हूँ, तो उसका कुछ खास बेनिफिट तुम्हें नहीं होगा। पर तुमने देखा सीबीएसई ने जो अपने सैंपल पेपर निकाले थे, उसमें डायग्राम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम को, और इसके बाद हम आगे और चीजें डिस्कस कर रहे होंगे इस चैप्टर की डायग्राम से रिलेटेड। और उसके बाद और वीडियो तुमको अगर चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताना कि टॉपिक पे चाहिए क्या क्या चाहिए। और बाकी लाइट चैप्टर तो हमने काफी डिटेल में जाके पढ़ रखा है, चैनल पे पुरानी वीडियो है देखना, और उसका रिफ्लेक्शन पार्ट चाहिए तो भी मुझे बताना, ठीक है ना। बाकी यार डाइजेस्टिव सिस्टम लाइव प्रोसेस का ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तो चलो फिर दौड़ते हैं फटाफट। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम देखो, तुम्हें पता है यार, जैसे डायग्राम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पेपर के अंदर, और हमको वही चीज़ पकड़नी है जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे। अब तुम्हें पता है लेबलिंग से तुम्हारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये सारे लेबलिंग तुम्हें याद करनी है, ठीक है। तुम्हारे बुक के अंदर एक बढ़िया सी फिगर बनी है, उससे बाहर से कोई भी चीज़ लेबल करने के लिए नहीं आएगी, पहली बात तो ये। और अगर उसके बाहर से तुम चीज़ को प्रिपेयर कर रहे हो, तो तुम अपने लिए लोड बढ़ा रहे हो, क्योंकि उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। बाकी हम डिस्कस करते हैं, देखो डाइजेस्टिव सिस्टम काम कैसे करता है हमारा, आराम से डिस्कस करते हैं सिर्फ फिगर के साथ में। बाकी चीज़ें देखो, तुम्हारे लिए लिख भी रखी हैं सब चीज़ें, कैसे काम करता है क्या करता है करके, ये सब चीज़ें तुम देखना। ये चीज़ें मैं बाद में डिस्कस करूंगा, पर सबसे पहले क्या चीज़ डिस्कस करनी है, मेन चीज़ जो तुम्हारे लिए है कि भाई हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम कैसे करता है, मुझे चीज़ की फील दिलाओ। एक चीज़ तो होता है याद करना कि हाँ ये हो रहा है ये हो रहा है ये हो रहा है, एक चीज़ होती है फील लेना। तो आज फील दिलाऊंगा डाइजेस्टिव सिस्टम, जो तुम खाना खाते हो एक्सक्रिएशन तक, सब चीज़ स्टेप बाय स्टेप होती कैसे है, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले तुम्हारे सामने क्या आता है, खाना आता है। बिना आए तो खाओगे नहीं, ठीक है भैया, जोक अपार्ट, पर मेन चीज़ क्या है, खाना आएगा। तुमने खाने का टुकड़ा तोड़ा, मुंह में डाला, दांतों से उसको चबाया, ठीक है। दांतों से चबाने के साथ तुम देखते हो तुम्हारे मुंह के अंदर कुछ लार जैसी चीज़ आ रही होती है, तो उसको हम कहते हैं सलाइवा, ठीक है। बायो की लैंग्वेज में उसको हम बोलते हैं सलाइवा, ओके। अब सलाइवा के अंदर एंजाइम्स होते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हो रही है ना, उसके पीछे कोई ना कोई केमिकल काम कर रहा होगा। तो वैसे ही सलाइवा के अंदर आपका होता है स्लाइवरी एमालेसिस, ठीक है। वो क्या करता है, मेन उसका काम होता है जो तुम्हारे फूड के अंदर स्टार्च है, जो फूड के अंदर क्या है स्टार्च है, उसको शुगर में कन्वर्ट करना, क्योंकि स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उसको स्मॉलर कंपाउंड में कन्वर्ट करना। मेन काम क्या है पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का, एक कॉम्प्लेक्स चीज को एक सिंपल चीज में कन्वर्ट करना, ठीक है ना। तुमने मुंह के अंदर खाना डाला, तुमने चबाया, तुम्हारे मुंह के अंदर लार आई, उस लार ने क्या करा, आपके स्टार्च को कन्वर्ट कर दिया आपके शुगर में, ठीक है। वो खाना धीरे धीरे मेरे गले में आया, फिर गले में अपने आप लगता है कि वो पेट के अंदर जा रहा है, ठीक है। वो एक मूवमेंट होता है, जिस मूवमेंट से पेट के अंदर जाता है, ठीक है, उस मूवमेंट को क्या कहते हैं हम, पेरिस्टलेटिक मूवमेंट, ठीक है भैया, ये चीज़ क्लियर हो गई। पेट के अंदर खाना मेरा गले के थ्रू धीरे धीरे ऑसोफेगस के रास्ते से पेट के अंदर चला गया। अब खाना मेरा कहाँ पे पहुँच चुका है, ठीक है, खाना मेरा कहाँ पहुँच चुका है भैया, मेरे पेट के अंदर। अब पेट के अंदर क्या होता है तुम्हारा, पेट के अंदर तुम्हारी एक होती है लेयर, एक लेयर होती है पेट के चारों तरफ, ठीक है। और पेट कितना भी एक्सपेंड हो जाता है आपका, ऐसे करके एक लेयर है, मान लो अब ये कलर से अच्छा नहीं दिख रहा है, चलो कोई नहीं, समझ में तो आ रहा है, पेट के चारों तरफ एक लेयर होती है। वो लेयर किसकी होती है, उस लेयर होती है वो म्यूकस की, ठीक है। और पेट के अंदर क्या होता है तुम्हें पता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तुम्हारे पेट के अंदर रिलीज होता है। अगर पेट के चारों तरफ एक लेयर होती है म्यूकस की, पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेरा रिलीज होता है, और एक चीज और रिलीज होती है जिसको हम बोलते हैं प्यार से पेप्सिन, ठीक है। अब रिलीज हो गया भैया ये चीज़ें, जब ये चीज़ें तुम्हारे पेट के अंदर रिलीज हुई, तो पेप्सिन का मेन काम क्या होता है, तुम्हारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, ठीक है। और अब पेप्सिन जब भी काम करता है, कोई चीज़ ऐसे तो काम करेगी नहीं, उसको एक मीडियम चाहिए, तो HCl का काम होता है उसको पेप्सिन को प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एक एसिडिक मीडियम दिलाना, ठीक है। अच्छा, पेट के अंदर एसिड, मेरे हाथ पे एसिड गिर गया, तो आप तो बता रहे थे भैया हाथ जल जाता है, तो पेट ना जले इसके लिए पेट के चारों तरफ किसकी लेयर होती है,
म्यूकस की लेयर होती है, ठीक है, किसकी लेयर होती है, म्यूकस की। तो तीनों चीजें समझ गए, म्यूकस की लेयर की होती है क्योंकि पेट जले ना, HCl क्या होता है एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, और पेप्सिन क्या करता है प्रोटीन को थोड़ा बहुत डाइजेस्ट कर लेता है। अब ठीक है ये काम भैया हो गया, धीरे 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 क्या हुआ खाना फिर नीचे नीचे आया तुम्हारी किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, किसके अंदर आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अच्छा भैया अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही मेन काम होता है तुम्हारा सारा, यहाँ में क्या करता है लीवर है ना जो हमारा, वो लीवर बाइल रिलीज करता है। अब बाइल का काम क्या होता है, बाइल का काम होता है जो तुम्हारे फैट के लार्ज ग्लोब्यूल्स हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करना। तो मेन काम लीवर का क्या होता है बाइल के थ्रू, कि आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को फैट के स्मॉल कंपाउंड में डाइजेस्ट कर देना या कन्वर्ट कर देना, ठीक है, इतनी चीज क्लियर। ठीक है लीवर का काम खत्म हो गया, अब यहाँ से पैनक्रियाज है, ये आपका क्या दिख रहा है पैनक्रियाज है, यहाँ पे लेबलिंग नहीं रखी है पर ये चीज क्या है आपकी पेनक्रियाज है जो पीछे ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। एक तो ये इंसुलिन रिलीज करता है, आपका शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, ठीक है ये चीज तो अलग हो गई, पर डाइजेशन में क्या काम है इसका। अब पेनक्रियाज लीवर के बाद रिलीज कर देता है इसके अंदर पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है पेनक्रियाटिक जूस रिलीज कर दिया। पेनक्रियाटिक जूस में काफी सारे केमिकल्स आपके आते हैं, अब कौन कौन से केमिकल आते हैं पेनक्रियाटिक जूस में, आपका ट्रिप्सिन आता है और आपका लिपेस आता है, ठीक है। अब ट्रिप्सिन का काम क्या होता है, देखो ट्रिप्सिन का काम है जो तुम्हारा पेट के अंदर अब ये प्रोटीन आया ये प्रोटीन को और डाइजेस्ट कर देना, और लिपेस का काम क्या है तुम्हारा, लिपेस का काम तुम्हारा सिर्फ इतना है जो फैट है, अब तुमने क्या करा फैट के जो लार्ज ग्लोब्यूल्स है उनको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया। अब लिपेस का काम क्या है, वो स्मॉल ग्लोब्यूल जो फैट के बचे हैं उनको और तोड़ देना किसमें, इमल्सिफाइड फैट में, ठीक है फैट को और ब्रेक डाउन कर देना। अब सारा काम हो गया तुम्हारा, लीवर ने भी फंक्शन कर दिया, पेनक्रियाज ने भी कर दिया, अब बचा कुचा काम कौन करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे क्या होते हैं विली लाइक के स्ट्रक्चर होते हैं, उनका काम तो मेन एब्जॉर्प्शन का होता है वो बाद में देखेंगे, पर इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइनल जूस भी रिलीज होते हैं, ठीक है ये जूस आपके इंटेस्टाइन में रिलीज हुए। इनका फाइनल काम क्या है, प्रोटीन को तुम्हारा अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देना, फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देना, और आपका जो कार्बोहाइड्रेट है उसको ग्लूकोज में कर देना, जिससे आप जब सांस लेते हो छोड़ते हो आपको ताकत मिलती है क्योंकि ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा होता है एनर्जी के अंदर। ये चीज़ तुम्हें पता है रेस्पिरेशन में, तुमने पढ़ा होगा ये चैप्टर, जब तुमने देखी होगी ये चीज़, ठीक है भैया। इंटेस्टाइन के अंदर फाइनली क्या हो गया, मेरा प्रोटीन कन्वर्ट हो गया, मेरा कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो गया, और मेरा तीसरी चीज़ क्या कन्वर्ट होगी, फैट कन्वर्ट हो गया, ठीक है सारा काम खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे क्या होता है, फिर तुम्हारी विली होती है। अब ठीक है सब चीज़ें काम पूरा हो गया पेट के अंदर, अब डाइजेस्टिव फूड पड़ा हुआ है तो उसके अंदर से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कौन करेगा, तुम्हारी विली एब्जॉर्ब करेगी। तो विली जैसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वैसे ऐसे होते हैं बिल्कुल, ठीक है, सब कुछ उसके अंदर से सोख के आपके ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, नए टिश्यू बन रहे होते हैं, नई चीज़ें काम कर रही होती है। एक दिन में 3 बार खाना खाते हो, 3 बार पचता है, तो देखो कितनी जल्दी जल्दी ये प्रोसेस हो रहा होता है, 4 से 6 घंटे में लगभग खाना पच जाता है। तो ये पूरा एक प्रोसेस है, ठीक है ना, ये चीज़ तुम समझिए, खाना खाने से लेकर उसके एब्जॉर्ब होने तक। अच्छा ठीक है खाना एब्जॉर्ब कर लिया, अब खाने में से फिर उसको आगे पास कर दिया जाता है किसके पास, तुम्हारे लार्ज इंटेस्टाइन के पास में। अब वो खाना आ चुका है तुम्हारे लार्ज इंटेस्टाइन में, अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है भैया मेरे, लार्ज इंटेस्टाइन में इतनी चीज होती है कि जो तुम्हारा खाना आ गया, अब सब उसमें से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लिए, सब चीज़ एब्जॉर्ब कर लिया, वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया, तो अब इसके अंदर जो भी वाटर है, पानी है ना पानी, वो पानी को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। अब क्या करते हैं, वो बचे कुछ खाने को जो वेस्ट होता है आपका, जो किसी काम का नहीं है, वो आपके एनस के थ्रू एक्सक्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे एक्सक्रिएशन का प्रोसेस होता है, तो ये चीज़ समझ गए तुम। और देखो लार्ज इंटेस्टाइन में, अब तुम खुद सोचो अगर तुम्हारा पानी एब्जॉर्ब हुआ है तो पानी कहाँ जाएगा, शायद आपके ब्लड में जाए, फिर ब्लड से किडनी में आए, किडनी सारा प्यूरीफाई कर दे, वो एक्सक्रिएशन का पार्ट हो गया, वाटर प्यूरिफिकेशन का पार्ट हो गया, और यहाँ से जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल है वो आपका एक्सक्रिएशन के थ्रू, एनएस के थ्रू निकल जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, आज तुमने फील कर लिया होगा कि हाँ भैया मजा आ गया सुन के यार, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा ऐसे काम करता है, और स्टेप बाय स्टेप इसको याद करो। अच्छा इसको लिखने का तरीका क्या है, देखो अब तुम्हारा जरा देखते हैं इसको लिखने का तरीका क्या है। देखो खाना तुमने खाया, ऑसोफेगस स्टमक में गया, फिर 3 एसिड रिलीज हुए, फिर उसके बाद पेनक्रियाज हुआ, पेनक्रियाज ने 2 चीज़ें रिलीज करी, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, फिर इंटेस्टाइनल जूस निकले, फिर आपका लार्ज इंटेस्टाइन में आया, फिर एनएस के थ्रू खाना बाहर निकल गया। यहां तक तुमने देख लिया, इसके बाद मैंने बिल्कुल लेम लैंग्वेज में तुम्हारे लिख रखा है कि कैसे कैसे जो चीज़ें मैंने तुम्हें समझाई वो होती हैं। देखो HCl रिलीज हुआ, प्रोवाइड एसिडिक मीडियम करता है, पेप्सिन ने तुम्हारे प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया, म्यूकस तुम्हारे HCl से तुम्हारे स्टमक को बचा रहा है, बाकी चीज़ें मैंने सब लिख दी, बाइल का काम क्या है, ट्रिप्सिन का काम क्या है, लिपेस का काम क्या है,
ठीक है, फिर बाकी तुम्हारे प्रोटीन फाइनली अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, तुम्हारा फैट फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है, और कार्बोहाइड्रेट तुम्हारा ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है, बाकी विली विली एब्जॉर्ब कर लेते हैं तुम्हारी चीज़ों को, लार्ज इंटेस्टाइन एक्सक्रीशन प्रोसेस, बाकी सब चीज़ें तुम्हारे सामने अब क्लियर है, मैंने बिल्कुल लेम लैंग्वेज में लिख दिया है। तो फाइनली यार देखो, डाइजेशन का प्रोसेस तुमने फील कर लिया होगा आज, अगर तुम्हें समझ में नहीं आया, वैसे तुमने चैप्टर पहली पढ़ लिया होगा क्योंकि तुम्हें पता है मेरा सबसे ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर है इस बार बोर्ड की तरफ से, और इसके बाद लाइट चैप्टर तुम्हारा रह जाता है, लाइट चैप्टर मैंने तुम्हें ऑलरेडी पढ़ा रखा है, चैनल पे जाके देखना पीछे वीडियोस, और बाकी और कुछ तुम्हें चाहिए अब इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि भैया ये पर्टिकुलर टॉपिक मेरे समझ में नहीं आ रहा है, ये टॉपिक को भी 100% सीरीज के अंदर डालो, क्योंकि हमने देखो केमिस्ट्री का मैक्सिमम पोर्शन कर लिया, लाइफ प्रोसेस तुमने मैक्सिमम पढ़ रखा है, हमने यार डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस करा, अब इसके बाद हम एक आधा सिस्टम और डिस्कस कर लेंगे, मेन मेन चीजें डायग्राम फिगर हम इसकी डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद तुम्हारा आ जाता है लाइट चैप्टर, ह्यूमन आई चैप्टर, वो तो कुछ है नहीं, ह्यूमन आई तो बड़ा इजी चैप्टर, लाइट चैप्टर की भी अच्छी खासी वेटेज है, तो वो चैप्टर भी हमने डिस्कस करा, उसका रिफ्लेक्शन पार्ट अगर चाहिए होगा बताना, वरना तुमने वो चैप्टर भी करा होगा, क्योंकि लाइट प्रोसेस एंड लाइट चैप्टर सबसे ज्यादा वेटेज के चैप्टर है, तो इनको ही सबसे पहले प्रिपेयर करो, ठीक है। और कुछ चाहिए मुझे नीचे कमेंट में बताना, बाकी यार देखो ये वीडियो खत्म हो चुकी है, अगली वीडियो में हम देख लेंगे ट्रांसपोर्टेशन को, कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, हार्ट हमारा कैसे काम करता है, और लाइट प्रोसेस भी हमारा बढ़िया से मजबूत हो रहा होगा, क्योंकि मेन क्वेश्चन जहां से बनना है उस चीज को पहले हमको पकड़ना पड़ेगा, और बाकी सब्सक्राइब वगैरह कर दो, वीडियो वगैरह लाइक कर दो, वो चीजें तुम कर देते हो यार, बाकी चलो ठीक है, मेहनत से पढ़ो, अभी पेपर सबको निकालना है, पेपर सबको उखाड़ना है।